मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, छोटी थी तब। फिर बाद में डॉक्टर ने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती, और सब लोग खाते थे और मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। कहीं पे भी नहीं जाती थी, घर पे रहती थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सब चीज़ें खा सकती हूँ। सीलिएक डिजीज, यानी बहुत आसान भाषा में कहूँ तो गेहूं से एलर्जी, गेहूं और गेहूं से बनी चीजें जो बच्चे नहीं खा पाते। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगिड़ है, मैं जयपुर में रहने वाला हूँ। और ये मेरी बेटी है, इसको गेहूं से तकलीफ थी। हमने बहुत इलाज कराया इसका, पहले भी दिखाया, 3-4 साल तक परेशानी रही। फिर हमारे पड़ोस में किसी ने ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर गंगवार डॉक्टर डीएल गंगवार से। उसने बताया मेरे को, भाई वहाँ डॉक्टर गंगवार देखते हैं। तो डॉक्टर गंगवार को हमने दिखाया, तो साल भर तक ट्रीटमेंट चला, बिल्कुल बराबर गेहूँ खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 साल की थी तब हमको पता चला गेहूँ से एलर्जी की। तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया, तो 3 साल तक दिक्कत रही हमको। गेहूँ बिल्कुल बंद कर दिया, खाने में दिक्कत होती इसको। फिर यहाँ डॉक्टर गंगवाल से ट्रीटमेंट लेने के बाद बिल्कुल परफेक्ट है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा है। थैंक यू डॉक्टर गंगवाल का। मेरा नाम अंजलि जांगीड़ है। मुझे पहले गेहूं से एलर्जी थी, मैं गेहूं से बनी हुई कुछ भी चीज़ें नहीं खा सकती थी। फिर हमने डॉक्टर गंगवाल जी से ट्रीटमेंट करवाया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गेहूं से बनी हुई सब चीज़ें खा सकती हूँ। तो डॉक्टर डीएल गंगवाल में ऐसा क्या खास? पहले मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, छोटी थी तब। फिर बाद में डॉक्टर ने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती, और सब लोग खाते थे और मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। कहीं पे भी नहीं जाती थी, घर पे रहती थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सब चीज़ें खा सकती हूँ, अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ। कृष्णा है, मेरी बेटी गेहूँ नहीं खाती थी पहले, तो हमको बहुत बुरा लगता था। हम पहले ट्रीटमेंट चलाए थे इसका डॉक्टरों से, तो डॉक्टर ऐसे बोले कि ये हमेशा के लिए नहीं खाएगी। तो हमें बहुत बुरा लगा कि आगे जाके क्या होएगा। तो हमें पड़ोस में से किसी ने दिलवाया था दवाई, तो उससे पता चला, तो हम डॉक्टर गंगवाल जी के पास आए, तो उनका ट्रीटमेंट चलाया, तो अब खाने लग गई हमारी बेटी। हमें बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर गंगवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गंगवाल जी से हमें दवाई ली, ट्रीटमेंट चलाया, तो रेगुलर लिया हमें दवाई, बीच में बंद नहीं करे। डॉक्टर बताए जैसे करे और ऐसे ही लेना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। 1-1.5 साल में हमारी बच्ची ठीक हो गई, पूरा ट्रीटमेंट लेके अब सब कुछ खाने लग गई। हमें बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर गंगवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गंगवाल सीलिएक डिजीज के लिए, और आज उनके 7 सेंटर्स हैं जो जयपुर के अलावा 6 अन्य शहरों में भी चल रहे हैं।